हाय फ्रेंड, मैं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टिप टॉप टॉप में आपका स्वागत है। देखिए, इसे इंग्लैंड वर्सेस जो वेस्ट इंडीज़ का जो टेस्ट मैच है ये 19 घंटे के बाद होगा। ये मैं ड्रीम इलेवन का जो वीडियो बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ, अब मैं कंटिन्यू वीडियो को अपलोड करूँगा और जो भी इसमें आपको टीम में नए चेंजेज आएंगे या कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है तो उसकी मैं पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो जो मैं टीम बताने जा रहा हूँ उसमें क्या और कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, मैं इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक दूसरे ऐप्स पे चलूँगा आपको लेकर, क्योंकि जो ऐप्स है वो काफ़ी अच्छा ऐप्स है और उस पर और ड्रीम इलेवन में क्या अंतर है मैं सारी चीज़ें एक डिटेल में बताऊँगा। और इत्मीनान से देखिए, ये वीडियो 8 मिनट का होगा, 8 मिनट में पूरी आपको जानकारी दी जाएगी, तभी आप अर्निंग कर पाएंगे। नहीं तो बीच में अगर वीडियो छोड़ेंगे तो फिर वो उतनी अच्छी आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे और सटीक जानकारी भी आप नहीं ले पाएंगे। देखिए, इसका नाम है इस ऐप्स का हाला प्ले, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और क्या खासियत है मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले तो आपको जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो ये रेफरल कोड मांगेगा। ठीक है, तो ये रेफरल कोड इंटर कर देंगे, जैसे इंटर करेंगे आपको 100 रुपये का बोनस मिल जाता है। अगर आप रेफरल कोड इंटर नहीं करते हैं तो 1 भी रुपये का बोनस आपको नहीं मिलेगा। ये थी पहली चीज़। तो और इसके क्या फीचर्स हैं ड्रीम इलेवन, ऐसे में क्या अंतर है मैं उसको बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही ये खास चीज़ें हैं। ठीक है, और ये ड्रीम इलेवन और हाला प्ले में क्या अंतर है वो पूरी एक डिटेल में मैं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि आप ड्रीम इलेवन की वीडियो जब भी आप ड्रीम इलेवन पर खेलते हैं और हाला प्ले में खेलते हैं, तो ड्रीम इलेवन में क्या होता है कि 1.5 घंटे पहले वीडियो को मतलब टीम को लॉक कर दिया जाता है, आप टीम नहीं क्रिएट कर पाते हैं। और हाला प्ले में ऐसा नहीं है, आप चाहें तो अगर टीम सेलेक्ट कर सकते हैं अगर 1 मिनट बाकी रहे तब। जैसे कि 8 बजे का मैच है तो आप 7:57 तक भी, आप 58-59 मिनट तक भी टीम क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई वो पाबंदी नहीं है। ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि ड्रीम इलेवन में क्या होता है, पॉइंट का बहुत ही समस्या रहती है, आप लोचा रहता है कि जो उसका क्रेडिट रहता है प्लेयर्स का बहुत हाई रहता है। हाला प्ले में ऐसा नहीं है, उसका क्रेडिट एकदम नॉर्मल रहता है, आप आसानी से सभी प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये थी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ कि जब ड्रीम इलेवन की वीडियो जब भी आप सॉरी जब भी टीम क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाइस कैप्टन कैप्टन दोनों को चूज करना पड़ता है और आपको उसमें थोड़े लक की ज़्यादा चांस रहती है। और इसमें एक ही सिर्फ प्लेयर को चुना पड़ता है, सिर्फ वाइस कैप्टन, जो हाला प्ले में सिर्फ आपको कैप्टन चूज करना पड़ता है। यही चीज़ थी तीनों बहुत जो खास चीज़। और आपको ये भी बता दूँ कि आप जब भी इस पर खेलेंगे तो आपको ड्रीम इलेवन में उतना आपको बोनस नहीं मिलेगा, आप इसमें पैसे भी ऐड करेंगे तो आपको हमेशा ये बोनस हाला प्ले देता रहता है। ठीक है, वैसे मैं वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ, और अभी अधिक आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी उस ग्रुप में दे दिया गया है, वहाँ से चाहे तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर लेके आप हमें पूछ भी सकते हैं। चलिए, मैं आपको वीडियो की ओर ले चलता हूँ और सारे प्लेयर्स के बारे में एक एक करके मैं बताऊँगा और कौन से प्लेयर आपके लिए बढ़िया हैं और कौन से की प्लेयर्स हैं और कौन से प्लेयर्स आपके लिए इस मैच में अच्छा खेलेंगे, ये पिच के अनुसार उनका जो भी स्टैंडर्ड मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी इस ऐप्स को इंस्टॉल कर लिए क्योंकि इस पर ट्रैफिक बहुत कम है, आप जल्दी से पैसे अर्न कर पाएंगे। चलिए, मैं आपको वीडियो की ओर ले चलता हूँ। और वीडियो की ओर ले चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए क्योंकि डेली की डेली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, देखिए मैं टीम पहले से क्रिएट कर रखा हूँ क्योंकि वीडियो यदि लंबी ना हो जाए, और इस वीडियो थोड़ी लगभग 8 मिनट की हो जाएगी। चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये हमने प्लेयर्स को लिया है, इतना आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ही विकेट कीपर के आपके लिए ऑप्शन दिख रहे हैं, आप किसी दो में से एक को लेकर आप टीम को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे आप इन्हीं को लीजिए क्योंकि ये टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, तो आप इनको लेकर टीम क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको देखिए मिल जाते हैं सारे बैट्समैन की लिस्ट, तो यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट हो सकते हैं, रूट को आप जरूर रखिएगा टीम में। मैं क्रेडिट देखिए, यही समस्या है, अगर आप ड्रीम इलेवन पे खेलेंगे तो यही आपको है कि इनको रूट को मिस कर सकते हैं या किसी आप बड़े प्लेयर्स को मिस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप हाला प्ले में खेलते हैं तो आपके लिए ये समस्या नहीं आएगी, तो आप रूट को जरूर टीम में रखिएगा, नहीं भी रखते हैं तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि टीम बाकी वैसे अच्छे प्लेयर हैं ये, इनको टीम में आप रख ही लीजिएगा। और यहाँ से आपको देखिए ये तीन ऑप्शन ऊपर से दिख जा रहे हैं, होप हो गए, ब्रेथवेट हो गए, बटलर हो गए, ये आपके लिए ऊपर से तीन ऑप्शन हो गए,
जो बैट्समैन में, और चौथा ऑप्शन हमने जो लिया है वो सिमर्स को लिया है। आप यहाँ से इनको लेकर टीम क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए देखिए अच्छे ऑप्शन ये भी हो सकते हैं ये, और ड्रेन ब्रावो को भी आप टीम में रख सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छे अच्छे विकल्प थे जो बैट्समैन के मैंने बता दिया। और चाहे तो इसमें जो भी खिलाड़ी अगर नहीं खेलते हैं किसी वजह से या इंजर्ड हैं या कोई चेंजेज आएंगे, तो इसका मैं आपको अपडेट आने के बाद दे दूंगा। मैं जनरली दो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, सॉरी जनरली मैं दो एक वीडियो तो अपलोड कर देता हूँ, दूसरे का सिर्फ स्क्रीन शॉट मैं बाद में बताऊँगा कैसे मैं सेंड करता हूँ, वो आपको वहाँ से मैं बता दूँगा। चलिए देखिए, तो यहाँ से मैं आपके लिए जो ऑलराउंडर की लिस्ट है, ऑलराउंडर में आप देख सकते हैं ये तीन ऑलराउंडर, ये चार एक पाँच, पाँचों में से किसी भी तीन को लेकर आप टीम कर सकते हैं या दो को। तो मैं यहाँ से तीन तीन को ही लूँगा। तीन को लेने के बाद देखिए यही तीनों हमारे जो मैंने लिया है काफ़ी अच्छे ये खिलाड़ी हैं, आप इनको टीम में लेकर टीम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ से बॉलर के ओर चलता हूँ। देखिए मैं बॉलर्स में भी यही एक दो और तीन तीन जो बेस्ट बॉलर लिया हूँ, जो काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, यहाँ से मैंने इनको लिया हूँ। और आपको अगर और बॉलर में बता देता हूँ जो काफ़ी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। देखिए इनको रशीद को भी टीम में लेकर आप क्रिएट कर सकते हैं आप दो, और ये देखिए आपके लिए ये भी काफ़ी अच्छे बॉलर के ऑप्शन में हैं, आप इनको भी टीम में लेकर टीम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको वाइस कैप्टन और कैप्टन की ओर ले चलता हूँ। देखिए मैं यहाँ से वाइस कैप्टन में मैंने सिर्फ ऑलराउंडर को ही चुना हूँ, आप चाहें तो बैट्समैन को भी चुन कर टीम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे टेस्ट में आप ऑलराउंडर को रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको बेनिफिट रहता है, इसलिए मैं ऑलराउंडर को ही लेकर टीम क्रिएट करता हूँ। और बड़े से बड़े लीग में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर काफ़ी अच्छे ऑप्शन होते हैं बैटिंग और बॉलिंग के क्षेत्र में। देखिए आपको मैं यहाँ से फाइनल प्रीव्यू दिखाने जा रहा हूँ, फाइनल प्रीव्यू देख लीजिए आप, ये रहा फाइनल प्रीव्यू। और देखिए जो भी चेंजेज आएंगे मैं इतना ही स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से आप देख के टीम चेंज कर लीजिएगा। और आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, जो भी प्लेयर्स के बारे में कुछ भी पूछना है, तो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, या हमें जनरली कमेंट करके भी यूट्यूब पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं नीरज सिंह फिर मिलूँगा अगले वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।